जय हिंद साथियों। तो साथियों आज के लेक्चर में बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, देखिए नंबर सिस्टम लगातार चल रहा है, इसके 6 से 7 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए हैं और प्रत्येक लेक्चर के मैं प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और बाकी आप इंडियन कोस्ट का GDDB या जो है असिस्टेंट कमांडेंट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस। ठीक है ना, तो आप जैसा कि बात करें डिविजिबिलिटी विभाजकता, देखिए विभाजकता का मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो उसमें कुछ रूल्स रह गए तो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट डिविजिबिलिटी का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके इससे जो प्रीवियस लेक्चर उसको जरूर देखें, अन्यथा ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको एक रूल बता दिया था, आप 2 मिनट थोड़ा हम लोग बैक बात करेंगे। ठीक है ना, मैंने बोला है कि यदि किसी भी संख्या को 2 से भाग करना हो यानी 2 की विभाजकता जाननी हो तो क्या करते हैं कि उस संख्या के अंतिम अंक से भाग करते हैं, यानी लास्ट डिजिट से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है ना, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी विभाजकता कहलाती है। और मेरे कहने का अगर आपसे 4 कहे है ना कि 4 से बात, तो 4 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट की डिजिट से हम करेंगे। अगर 8 की बात करें तो 8 में हमारा कितना होगा, लास्ट 3 से होगा। इसी प्रकार से एन का होगा तो अंतिम एन अंकों से भाग करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, इसको मैंने ऑलरेडी समझाया था कि विभाजकता का मतलब है अगर विभाजकता पूछे कि किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो वहां पर क्या करते हैं कि तो हम लास्ट जो संख्या होती है इसके अंतिम अंक से भाग करते हैं। इसे कोई संख्या आपको दिए ऐसे करके आपको मैं दे दूं, ठीक है ना, तुमसे कहें कि 2 से भाग करने पर इसकी विभाजकता यानी भागफल शेषफल बताएगा तो अंतिम अंक से भाग करेंगे। अगर यहीं पर आपसे 4 से बात करें तो 4 के लिए हम 2 अंकों से भाग करेंगे। अगर 8 से भाग करें तो 8 के लिए हम लोग 3 अंकों से जो है भाग करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी का, ये रूल मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था जो है 5 का बताया था कि यदि 5 से भाग करने को कहे तो अंतिम अंक से भाग करते हैं, लास्ट से भाग करते हैं। ठीक है ना, और अगर आपसे कहें 25 से मतलब 5 का स्क्वायर हो तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट 2 से भाग करते हैं। 125 से कहें तो इसमें हम लोग 3 अंकों से भाग करते हैं। इसी प्रकार से एन से कहें तो अंतिम एन अंकों से भाग करते हैं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, डीपली समझना, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 और 9 की विभाजकता, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था कि कोई संख्या तुमसे कह रहा है ये 9 से पूर्णतः विभक्त है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 और 9 के लिए आपका एक ही जैसा रूल आएगा। मान लो कोई आपको संख्या दिए और आपसे कह रहा है कि ये 3 और 9 से पूर्णतः विभक्त है तो आप क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे। क्या करेंगे, इन सबका सम, सम करने के बाद इनको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये 3 और 9 से कंप्लीट डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कंप्लीट पूर्ण रूप से ये कटनी चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो अगर 3 और 9 की विभाजकता की बात करेगा, 9 से भाग की बात करेगा, तो उस कंडीशन में दी हुई संख्या का जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद उसको 3 और 9 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 0 आना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 7 11 13 का रूल पढ़ाया था, यानी 7 11 13 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था। मैंने बोला कि कोई संख्या 7 11 13 से कब पूर्णतः विभक्त होगी, तो उसका रूल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने बोला कि जो भी आपको एक संख्या दी होगी, कोई एक संख्या दी होगी, उसके जोड़े बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जोड़े, उसके जोड़े बनाते हैं। और उसके जोड़े बनाने के बाद कैसे, इसका ऐसे जोड़ा बनाया, या मैं कुछ अपनी तरफ से ऐसे ले लूं, दो था ना, ठीक है, इसके ऐसे जोड़े बनाए, इसके मैंने ऐसे जोड़े बनाए, इनको ऐड करते हैं, जोड़े का अंतर करते हैं, तो 8 और 2 10 माइनस 6 4 10, तो ये कट गया, 0 आ गया। तो जोड़े बना के अंतर करते हैं, उसका अंतर 0 आना चाहिए। अगर किसी भी दी गई संख्या के जोड़े बना के उसका अंतर करने पर उसका अंतर 0 आ रहा था, वो संख्या हमेशा 7 11 13 से कैसे होगी, डिविजिबल होगी, हमेशा विभक्त होगी। पॉइंट क्लियर, इसके बारे में आपको क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो अब 11 की विभाजकता के कुछ इंपॉर्टेंट और रूल्स हैं, ठीक है ना, 11 की विभाजकता के नियम, मतलब के लिए नियम या के नियम, कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं। जैसे आपने नॉर्मल थीटा की जोड़े बना लेते हैं, ये पर्सनली आपका केवल 11 के लिए है, 11 के लिए, ठीक है ना। इसमें रूल पहला क्या है, पहला रूल ये है यदि प्रथम अंक और अंतिम अंक, यदि प्रथम और अंतिम अंक समान है, कैसा है, यदि प्रथम अंक और अंतिम अंक समान है तथा बीच में कोई तीसरा अंक सम बार आए, कितनी बार सम बार आए, तो भी ये हमेशा 11 से विभाजित होगा। किससे, मैंने बोला यदि पहला और अंतिम अंक समान हो
तथा बीच वाला अंक सम बार आए तब ये 11 से क्या होगा, विभक्त होगा। विभक्त होने का मतलब पूर्णतया विभक्त होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लें, जैसे आपको एग्जांपल दे, पहला अंक मैंने बोला कि पहला अंक क्या है, अब पहला अंक और अंतिम अंक बराबर नहीं, बीच में कोई भी अंक हो, वो कितनी बार है, सम बार है, बीच में कोई अंक सम बार है, तब ये 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब एक चीज आप समझ लें, बहुत डीपली समझना, अब 11 की विभाजकता का रूल क्या था कि जोड़े बनाते हैं, जोड़े बना के अंतर करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना, और इसका इसके साथ, इसका इसके, जोड़ लो जरा, 4 2 6 6 4 10 माइनस 4 4 8, आप इसको ले लो 4 4 8 2 10, अरे इसको लो 4 4 8 2 10 10 जीरो हो गया, देखो 11 की विभाजकता रूल हो गया, है ना, तो 11 से डिविजिबल होगा हमेशा। और अगला एग्जांपल आप ले लें, जो भी आपका मन करे, 2 ले लें, है ना, 8 8 8 और 8 ले लें और 2 ले लें, फिर से जुड़े बनाऊँ, इसका इसके साथ आएगा, इसका इसके साथ आएगा, इसका इसके और इसका इसके, तो देखो 8 2 10 8 18 मिलेगा, 8 8 16 17 18 मिला, देखो इसका भी आंसर 0 आ गया। तो दोनों के जोड़े बनाने के बाद, जोड़े बना के जोड़ने का अंतर के बाद जो आपका आंसर 0 आएगा, जिसका मतलब 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित, ये पहला केस हो गया, ठीक है ना। अगर हम अगले केस की बात करें उस चीज़ को आप डीपली समझना। देखिए अब सेकंड केस क्या है, माइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा। अब सेकंड केस क्या है, यदि पहला और अंतिम अंक समान है, पहला और अंतिम अंक समान है तथा बीच वाला अंक कितनी भी बार आए तब ये 11 से पूर्णतया विभाजित होगा, तभी 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। मैंने क्या बोला कि प्रथम अंक और अंतिम अंक, अब मैं मान लेता हूँ पहला अंक ए है और अंतिम अंक भी तुम्हारा क्या है ए है, वे समान है, पहला और अंतिम अंक तुम्हारा क्या है ए है, तथा बीच वाला अंक इसको मैंने सी नाम दे दिया सी, कितनी भी बार आए तब ये हमेशा 11 से विभाजित होगा। लेकिन इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, क्योंकि सी नहीं, बी नाम देते हैं ना, ए ए। मैंने क्या बोला, दी पहला अंक ए और अंतिम अंक ए तथा बीच वाला अंक बी कितनी भी बार का मतलब है, ई बी नॉट कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तब ये 11 से विभाजित होगा। लेकिन एक कंडीशन लागू होनी चाहिए ए प्लस ए बराबर बी की, मतलब पहले अंक और अंतिम अंक का तुम्हारा जो जोड़ है वो बीच वाले अंक के बराबर होना चाहिए, तब ये 11 से विभाजित होगा। तो बीच वाला अंक कितनी भी बार है, आइए हम बात करते हैं। जैसे देखो 2 दिया है, 4 4 4 4 2, तो अब पहले देखो 4 तुम्हारा 4 बार आया, मतलब सम आया, हमें कोई मतलब, लेकिन कंडीशन देखो प्रथम और लास्ट का सम देखो 4 आ रहा है, मतलब बीच के बराबर आ रहा है, ये 2+2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, इसका मतलब इसमें रूल लगेगा। अब रूल क्या लगाएंगे, इसका इसके साथ जोड़ा बनाओ, इसका इसके साथ जोड़ा बनाओ, तो मिलेगा 2 4 6 6 4 10 मिला, इसका इसके साथ 4 4 8 2 10 माइनस का 10 बराबर 0, कंप्लीट फॉलो हो रही कंडीशन। अब यहाँ पर आप ले लें, अब देखिए 2 4 4 4 2, देखिए अब मैंने यहाँ पर केवल 4 को 3 बार लिया है, 4 को केवल 3 बार लिया, मतलब अब कोई कंडीशन नहीं, कितनी भी बार आए कोई फर्क ना पड़ने वाला, कितनी भी बार आए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, लेकिन हाँ 2+2 4 के बराबर होना चाहिए, तो वही कंडीशन होगी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 4 2 6 7 8 और 4 4 8 बराबर 0, अतः ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे, अतः ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना। हम हर तरह से आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, हर तरह से आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे, मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला टाइप इसका, अब अगले टाइप में क्या है क्वेश्चन, मतलब अगला टाइप है, थर्ड टाइप आपका, यदि पहला अंक ए और अंतिम अंक बी तथा बीच में कोई अंक विषम बार आए, कोई अंक सी ले लेता हूं, ठीक है, विषम बार आए, तब यह 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन ए
प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब कंडीशन क्या है कि यदि पहला अंक और अंतिम अंक आपस में दोनों अलग अलग हैं, मतलब पहला है ई अंतिम है बी और बीच में सी तुम्हारा विषमवार आए, तब इन्होंने बोला कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, तब ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। पॉइंट क्लियर है? अब इस चीज़ को समझ लें, देखिए माइंड करना। अब आपको जैसे कोई दे दिया है 2, 7, 7, 7 और 5 आपको दिया है, व्यवहारिकता पूछी 11 से। अब एक माइंड करो आप, प्रथम अंतिम मतलब फर्स्ट लास्ट, देखिए 2 + 5 आपका 7 हो गया, मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है ना। अब बना लो जोड़ा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 7, 5, 12, 13, 14 और 7, 2, 14 देखो कितना रहा, 0 आ गया अपने आप, यानी 11 के विभाजकता यानी पूर्णतः 11 से विभक्त है ना। अगला रूल ले लें आप अपने हिसाब से, ले लें जो आपका मन करे वो ले लें, है ना। और आप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब 4 ले लेता हूँ, 4 ले लिया मैंने, 7 लिया, 7 लिया, 7 लिया, 3 ले लिया, है ना, और 4, 3, 7 रूल फॉलो हो रहा ना। प्रथम अंतिम यानी 4 + 3 आपका 7 हो गया। अब आप उसको देख लें, 3, 7, 4 यानी 7, 3, 10 और 4, 14 और 7 और 7, 14 = 0। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई समस्या है, है ना, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई समस्या है तो वो जरूर बताए, बाकी मैं क्वेश्चन कराने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। अब आई होप किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ये रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के रूल हैं। अब क्वेश्चन करा है 100 अंक के क्वेश्चन है, 100 अंकों की संख्या तो हमसे कह रहा है कि 100 अंकों की संख्या कमा n के दोनों अंतिम अंक 2 हैं, 100 अंकों की संख्या अंतिम अंक 2 हैं, ठीक है ना, 2 है कॉमा n 11 से विभाज्य है, तब मध्य अंक बताइए, तब मध्य अंक बताइए। एक कंडीशन को समझने का प्रयास करना, आपसे कह रहा है कि 100 अंकों की एक संख्या है, n आपको एक संख्या दिए, 100 अंकों की एक संख्या है, और जिसमें इन्होंने आपसे क्या बोला, माइंड करना, आपसे बोला कि 100 अंकों की एक संख्या है जहां n संख्या, n के दोनों ओर अंतिम अंक 2 है, मतलब 100 अंकों की संख्या है तो स्टार्टिंग में 2 है, एंड में क्या है तुम्हारा 2 है, यानी 100 अंकों की संख्या, ठीक है ना, 100 अंकों की संख्या, फर्स्ट में 2 दे लिया, अंतिम अंक 2 है, ठीक है ना, तो फर्स्ट में अंत में 2, तो बीच में कितने पद होंगे आपके, टोटल होंगे आपके 98 पद, अकॉर्डिंग टू मी 98 का मतलब है 2, फिर आपको आपको मिलेगा 2, ऐसे 2, ऐसे 2, ऐसे 2, कहाँ तक होगा आपका 98 तक होगा, पक्का होगा ना, कहाँ तक 98 तक, यानी 2 पद, मतलब 98 बीच में और पद होंगे। अब आपने एक रूल पढ़ा है कि यदि प्रथम अंक और अंतिम अंक बराबर हो तथा बीच में कोई अंक समवार आए, तब फर्स्ट और लास्ट का जोड़ बीच वाले के बराबर होता है। अभी 98 मतलब सम है ना, इविन, सम का मतलब, सॉरी इविन है ना, इविन का मतलब आपका सम संख्या, सम है ना, तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 2 + 2 = 4, तो जो तुम्हारा मध्य अंक रहेगा वो तुम्हारा 4 रहेगा, कितना रहेगा मध्य अंक आपका, कितना रहेगा 4 रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मध्य अंक आपका कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 अंकों की संख्या, अब तुमसे कह रहा है कि 99 अंकों की संख्या कमा n के दोनों अंतिम अंक 2 हैं कमा 11 से विभाज्य, तब मध्य अंक प्राप्त कर। अब कह रहा है कि 99 अंकों की संख्या है, अब तुमसे कह रहा है कि 99 अंकों की संख्या है और दोनों अंतिम अंक 2 हैं, तो पहला 2 बीच में और लास्ट में तुम्हारा क्या है 2 है, तो बीच में 2 2, मतलब 99 में से 2 गए, 2 अंक चले गए, तो आपका 97 रह गया, तो बीच में 97 आ गए, ठीक है ना, 97, तो 97 तुम्हारा क्या है एक ऑड है, तो ऑड का रूल क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर 4, यानी बीच में बीच वाले जो तुम्हारे अंक हैं बीच, तो मध्य अंक तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, आई होप कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आपको एक 9 वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, उसको आप लोग समझ लें थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन करा है, यदि एक आपको संख्या दी है, माइंड करना, क्वेश्चन करा कि 24, 3, 51 कमा 9 से पूर्णतः विभक्त है, आपसे कह रहा है कि 9 से कैसी है पूर्णतः विभक्त है, 9 से पूर्णतः आपसे कह रहा है ये विभक्त है, तो आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x की आपसे वैल्यू पूछी है,
एक्स की आपसे क्या पूछिए, एक्स की बच्चे आपसे वैल्यू पूछिए, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन दिया है 1, 3, 5 और 7। एक चीज़ को समझें आप लोग, पहले देखिए एक चीज़ को समझना ये है कि 9 से विभक्त का रूल मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है तो इन सब का हम लोग जोड़ कर लेते हैं। जोड़ का मतलब क्या है, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, तो 15 प्लस का x मिलेगा अपन में 9। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करें, पहले अगर हम 1 की बात करें तो 15 1 16 मेरा पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करें 3 की, तो 15 और 3 कितना होगा 18, तो यहाँ पर लगाओ 3, तो 18 बटे 9, देखो पूरा होगा 9 दूनी 18, तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा शेषफल निकल के आ रहा है, जो शेषफल निकल के आ रहा है वो ऑलरेडी कितना है, शेषफल तुम्हारा 0 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से 9 की विभाजकता का आराम से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी 9 वाले क्वेश्चन में, है ना। और मैं एक आध क्वेश्चन इस टाइप का करा देता हूँ, कोई समस्या हो किसी को तो तुरंत बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन करा है कि 4 की पावर 61, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन करा है कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 आपको ये दिया है, ठीक है ना, 64 तक आपको दिया है। कह रहा ये कि किससे विभाज्य है 3, 10, 11, 13, विभाज्य है 3, 10, 11 और 13, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। और मैं आपको बता माय डियर स्टूडेंट, देखिए यदि आप इंडियन कोर्स का GDDB की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और मैं आपको बताते हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए फ्री जो है PDF प्राप्त करने के लिए आप आज ही जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है परीक्षा ऐप का, उस परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, उसको ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा GD या DBA का ऑप्शन, आप लोग उसमें जो है क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपसे पेमेंट मांगेगा, और कुछ पेमेंट मांगेगा अप्रॉक्स 300 रुपये, तब आप इसमें कोड यूज करेंगे SuperSky50। जैसे आप SuperSky50 कोड यूज करेंगे तुरंत आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको 149 का पड़ेगा जाके, ठीक है ना। परीक्षा ऐप ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको नीचे दिया है। इसमें आपको मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, अपनी रैंक पता लगेगी स्टूडेंट्स का, ऑल इंडिया में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे। और यहाँ पर जो है आपकी जो वैलिडिटी वो 180 दिन की है, 180 दिन तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी, मतलब 149, वैसे तो जियो में जो है 24-25 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर 180 दिन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता है। तो आज ही डाउनलोड करें, यूज करें तो 61 है, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 पक्का ना, तो 61। यहाँ पर क्या बचा है, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, जरा एक चीज़ समझें अच्छे से, आप देख पा रहे हैं कि 60 70 80 5 85, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4 की पावर 61 × 85 आया है, कितना आया है 85, पक्का है ना 85 आया है। अब देखिए यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर 4 पावर 61 है, यहाँ पर 85 कुछ नहीं करते, यहाँ पर 61 है ना, इसको कुछ हम ऐसी फॉर्म में लिखते हैं 4 की पावर 60 × यहाँ से 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20 का 0 यहाँ से लगा दो, 4 और 8 = 32 33 34 340 मिला 340। इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं 4 की पावर 60 × 34 × 10, देख पा रहे हैं पूरा पोर्शन आपका जो है 10 से क्या है, ये पूरा पोर्शन आपका 10 से क्या है डिविजिबल है, पूरा किससे 10 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ये पूरा 10 से आपका क्या है डिविजिबल है, इस तरह से पूरा आपका जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप और देख लें इसी तरह से, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, माइंड करना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 71 और प्लस आपको दिया है 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये 11 से विभाज्य है, सॉरी किसके द्वारा विभाज्य है, 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13, ये किसके द्वारा मतलब किससे विभाज्य है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब देख रहे हैं 2 की पावर 71 को कॉमन निकाल लेंगे,
आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब 2 की पावर आपको यहाँ पर मिलेगा जो है 1, ठीक है ना। 71 निकालिए, 1 ही बचा, प्लस 2 की पावर आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, प्लस 2 की पावर यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, तो 2 की पावर 71 ऐसे रहेगा, माइंड करना। अब ये तो 1 मिला, ए प्लस 2 मिला, ए 4 मिला, ए 8 मिला, है ना। तो 8 4 12 13 14 15 हो गया, इंटू 15 हो गया, ठीक है ना, 15 हो गया। अब लेकिन 71 है तो 70 करो, 2 की पावर 70, यहाँ से 2 मिलेगा तो 15 दूनी 30, ये पूरा पूरा 10 से क्या है, डिविजिबल है, डिवाइडेड बाई 10, ये पूरा पूरा 10 से क्या है, विभाजित है, ये पूरा पूरा 10 से क्या है, विभाजित है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा आपका 10 से जो है विभाजित है। आई होप किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक किसी प्रकार से कोई इशू हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।